अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। कितना लाजवाब बनके तैयार हुआ है आज रोस्टेड चिकन। अगर आप भी बनाना चाहते हैं इसी तरीके का चिकन अपने घर में, वो भी घर के मसालों से, तो मेरी वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, जिससे कि आप भी आसानी से घर पर अपने रोस्टेड चिकन को तैयार कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति जायका अपने घर के में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी, वो है रोस्टेड चिकन, वो भी घर के मसालों से। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चिकन ले लिया है, थाई के पीसेस लिए हैं मैंने, पूरा जो थाई का पार्ट होता है वो मैंने ले लिया है। आप चाहें तो चिकन के लेग लेग भी ले सकते हैं। चलिए ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगी और रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है और बाउल में हम सबसे पहले दही ऐड करेंगे। ये 3 टेबलस्पून दही है और दही खट्टा नहीं होना चाहिए, फ्रेश दही होना चाहिए। और अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल कश्मीरी मिर्च, 1/2 टेबलस्पून है लाल जो घर में हम मिर्च पाउडर यूज़ करते हैं वो है, यानी नॉर्मल मिर्च पाउडर, और 1/2 टेबलस्पून है ज़ीरा पाउडर, 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर और 1/2 टेबलस्पून है यहाँ पर गरम मसाला, स्वाद के अनुसार नमक, 1 टेबल कस्तूरी मेथी और साथ ही साथ जाएगा 1 नींबू। नींबू आप ज़रूर ऐड करिए, इससे बहुत ही जूसी फ्लेवर आता है। अब हम इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो सारे मसाले हैं अच्छे से हमारी जो दही में हो मिक्स हो जाए। चलिए यहाँ मसाला तैयार है। अब इसमें लास्ट में ऐड करेंगे हम फूड कलर, ये फूड कलर ऑप्शनल है। अब इसमें ऐड करेंगे हम चिकन के पीसेस और चिकन के पीसेस पे हमको मसाला इस तरीके से लगाना है कि जो चिकन के पीसेस के अंदर तक मसाला चला जाए। तो ये देखिए जिस तरीके से मैं रब करूँगी चिकन को, आपको भी इसी तरीके से जब भी आप घर में बनाएं तो इसी तरीके से रब करते हुए आपको चिकन करना है। तो अब मैं इसमें थोड़े थोड़े कट्स लगाऊंगी जिससे कि चिकन का जो मसाला है इसमें चला जाए और हमको एक अच्छा सा फ्लेवर दे। तो पहले मैंने कट लगा रखे थे लेकिन वो थोड़ा हल्के थे, अब मैं उन कटों को थोड़ा सा गहरा और करूँगी। देखिए दूसरा चिकन की पीस हम ले लेते हैं, उस पर भी मैं थोड़ा सा गहरे कट और लगा लूँगी। ये देखिए इसी तरीके से दोनों चिकन पीस में हो चुका है कट। अब इसको हम मसालों के साथ अच्छे से मसाज करेंगे, अच्छे से जो मसाले हैं इनको हम कोट कर देंगे ऊपर से। इसी तरीके से अच्छे से लगाना है, अंदर बाहर ऊपर नीचे हर जगह को मसाले को अच्छे से भर भर के लगाइए आप। ये तैयार है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब इसको हल्का हल्का ऊपर से ही हम लोग मिला देंगे क्योंकि मसाले हम मिला चुके हैं पहले ही, तो ऑयल को भी ऊपर नीचे हल्का हल्का मिला देंगे। ऑयल भी मिलके तैयार है यहाँ पर। तो अब हम इसको कम से कम 3 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप ओवरनाइट भी रखिए, अगर आपके पास टाइम कम है तो कम से कम 3 घंटे तो आप इसको रेस्ट के लिए रखिए, ज़रूर रखिए। और आपको इसको फ्रिज में लगाना है। तो आइए चिकन को देख लेते हैं। चिकन बहुत बढ़िया दिख रहा है हमारा क्योंकि मसालों से अच्छी तरह के हमने इसको रखा है कम से कम 3 से 4 घंटे। मैं हालांकि मैंने 3 घंटे बोला था आपको लेकिन मुझे 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल गया तो मैंने इस वजह से 1 घंटा और रख दिया इसको। अगर आपको भी टाइम मिले तो आप ज़रूर इसको ओवरनाइट या फिर कम से कम भी 4 घंटे ज़रूर रखिए। तो यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है, गैस भी ऑन है। अब इसमें डालते हैं हम 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को अच्छा सा गर्म होने देंगे हम। चलिए अब इसमें हम डालेंगे अपने चिकन के पीसेस को और यहाँ पर एक पीस हम इस तरीके से डालेंगे। अब हम डालेंगे दूसरा पीस भी हमारा चला गया इस तरीके से। दोनों पीस हमारे जा चुके हैं पैन में और अब जो मसाला जो बाउल में बचा है उसको भी हम हल्का हल्का ऊपर से डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से दोनों चिकन के पीसों पे
जो हमारा मसाला बचा है वो आप डाल सकते हैं। ये नहीं है कि ज़्यादा बचा है तो आपको सारा ही डालना है, जितना आपकी को चाहिए कि हाँ उतने लग सके चिकन के पीसों में उतना आप ऐड करिए, और ढक के हम इसे 5 से 7 मिनट एक तरफ ही कुक करेंगे। ज़्यादा नहीं करना है हमको, सिर्फ 5 से 7 मिनट। तो आइए चेक कर लेते हैं, मुझे यहाँ पर 7 मिनट हो चुके हैं। चिकन के पीसेस को हम एक बार पलटते हैं इस तरीके से, ये देखिए आप देख सकते हैं अभी कलर आना शुरू है हमारे चिकन पे, अभी रोस्ट होना शुरू नहीं हुआ है। तो बस हम ढकेंगे और फिर से इसको कुक करेंगे। तो आइए फिर से चेक कर लेते हैं, ये देखिए कलर अच्छे से तेल ऊपर आ गया है। फिर से हम लोग एक बार पलट लेंगे चिकन के पीसेस को, और देखिए अब कलर आना शुरू हो गया है। तो मैं आपको पलट पलट के जल्दी दिखा रही हूँ, इसी तरीके से आपको भी करना है। और टोटल मिनट मेरे को इसमें 20 से 25 मिनट लगा है, तो आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। और ये जो मसाले हैं या फिर जो ऑयल है आप इसके ऊपर बार बार डाल सकते हैं, ताकि जो हमारा मसाला या ऑयल है वो इस पर और जल्दी से हमारे चिकन को जूसी या फिर एकदम कलरफुल मसाले वाला चिकन बना के हमको तैयार मिल सके। चलिए तो अब हम इसको फिर से 5 से 10 मिनट कुक करेंगे, वो भी ढक कर। आप देख सकते हैं मेरे को 5 से 10 मिनट हो गए हैं, हम इसको फिर से पलटेंगे। मैंने अपनी वीडियो में कम से कम 3-4 बार आपको पलट पलट के इसी वजह से चिकन दिखाया है, ताकि आप भी इसको बिल्कुल ना छोड़ें एक तरफ से कि बन गया है बस और फिर ढक के हम पका दें, बीच बीच में आप ज़रूर इसको चलाते रहिए। तो टोटल हमारे हो चुके हैं 20 से 25 मिनट, अब हम इसको एक बार और पलट देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा क्रिस्प हो रहा है हमारा चिकन के पीसेस, कलर भी आ गया है एकदम डार्क वाला। अब इसमें हम अपना धुएं वाला प्रोसेस करेंगे, यानी स्मोकी फ्लेवर इसमें हम लाएंगे। तो यहाँ एक मैंने स्टील की कटोरी या फिर प्लेट ले लेंगे, अगर आपके पास नहीं हो स्टील की प्लेट या कटोरी तो आप सिल्वर फोर्क की भी बना सकते हैं, उससे भी हो सकता है। यहाँ मैंने कोयला ले लिया है, जला लिया अच्छे से कोयले को, और अब मैं कोयले के ऊपर देसी घी डालूंगी। देसी घी डालते ही हमको फौरन ही ढक्कन बंद कर लेना है, और 5 मिनट लगेंगे बस स्मोकी को एकदम अच्छे से धुआं करने में। जब तक ये धुआं ख़त्म नहीं होगा हम लोग ढक्कन नहीं हटाएंगे, धुएं को ख़त्म होने के बाद ही हम ढक्कन हटाएंगे। इसको 5 मिनट लगेंगे धुएं को ख़त्म होने में, 5 से 7 मिनट भी लग सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो देखिए धीरे धीरे धुआं कितना अच्छा भी लग रहा है देखने में, मैंने बिल्कुल भी इसको काटा नहीं है। तो चलिए ये देखिए तैयार है स्मोकी फ्लेवर, धुआं भी बिल्कुल जा चुका है। अब हम इस प्लेट को हम लोग पैन में से निकाल लेते हैं, देखिए केयरफुली से निकालेंगे हम लोग। अब यहाँ पर चिकन भी तैयार है, अब हम करेंगे इसका लास्ट स्टेप। तो गैस ऑन कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ पर ये मैंने स्टैंड ले लिया है, इस पर हम चिकन के पीसेस डाल के फुल फ्लेम पे हम लोग चिकन को रोस्ट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से घुमा घुमा कर हमको चारों तरफ से अच्छे से सेक लेना है, ताकि जो तंदूर वाला फ्लेवर आ सके हमारे चिकन के पीसेस में। ये देखिए इस तरीके से हमको घुमा, आपको एक साइड बिल्कुल नहीं रखना है, बिल्कुल आराम आराम से घुमा घुमा के चारों ओर से हमको सेकना है। अब हम पलटेंगे दूसरी साइड में भी हमको हर तरफ से घुमा घुमा कर ही सेकना है। एक तरफ बिल्कुल आप अपने हाथ को नहीं रखेंगे, पूरे चिकन के पीसेस को घुमा घुमा के आप सेकेंगे इस तरीके से। देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इस तरीके से आपको घुमा, अगर आपके पास इस तरह का स्टैंड नहीं है तो आप डायरेक्टली चिमटे से भी कर सकते हैं। ये देखिए चिकन का पीस हमारा एक रेडी हो चुका है, कलर भी कितना अच्छा आ चुका है हमारे चिकन के पीसेस पे। अब मैं इसको निकाल देती हूँ और दूसरा हम लोग चिकन का पीस रेडी कर लेते हैं। देखिए दूसरा भी मैंने रख दिया है यहाँ पर, इसको भी उसी तरह हम रोस्ट करेंगे घुमा घुमा कर अच्छे से। एक ही जगह हमको नहीं देना है इसको रोस्ट, या इसको हीट हमको एक जगह से नहीं देनी है, चारों तरफ से हीट हमको देनी है घुमा घुमा कर। अब इसको हम पलट देंगे अच्छे से, ये देख सकते हैं आप कलर कितना अच्छा आया हुआ है, जैसे तंदूर में हम लोगों ने बनाया है, लेकिन तंदूर जैसा हमने घर में तैयार किया है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए इसे घर में। चलिए फ्लेम बंद करते हैं, इसे करते हैं प्लेटिंग की तैयारी। तो अब मैं थोड़ी सी इसमें हरी चटनी भी लूँगी, तो हरी चटनी भी रख दी है यहाँ पर। तो अब मैं इसमें लास्ट में थोड़ी सी यहाँ पर देसी घी लगाऊंगी, इस तरीके से इसमें शाइन भी आता है चिकन के पीस में और टेस्ट भी बढ़ जाता है इसका। मैंने यहाँ पर देसी घी लिया है,
चाहे तो मक्खन भी ले सकते हैं। मक्खन अपना फ्लेवर देगा और देसी घी यहाँ पर अपना फ्लेवर देगा, आपकी जैसी चॉइस। तो मैंने दोनों चिकन के पीसेस पे अच्छे से लगा लिया है, इस तरीके से देखिए तैयार है। अगर ये हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और आप इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपको ये रोस्टेड चिकन की रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन एंड टेक केयर, बाय बाय।